नमस्कार दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग सिंपल डिस्ट्रक्टिव डायलेमा के बारे में जानेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने सिंपल कंस्ट्रक्टिव डायलेमा के बारे में जाना था। सिंपल डिस्ट्रक्टिव डायलेमा, बेसिकली डायलेमा एक सिलॉगिज्मिक आर्ग्यूमेंट है। इसमें तीन प्रपोजिशंस होते हैं। इसमें पहला प्रपोजिशन होता है मेजर प्रीमाइस, दूसरा प्रपोजिशन होता है माइनर प्रीमाइस, और इन दोनों को आइडेंटिफाई करके हम लोग कंक्लूजन निकालते हैं। तो हर प्रपोजिशन में दो टर्म होती है। पहली टर्म को हम लोग बोलते हैं एंटीसीडेंट और दूसरी टर्म को हम लोग बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। सिंपल कंस्ट्रक्टिव डायलेमा में क्या होता है, जो दूसरी टर्म यानी कॉन्सिक्वेंट होती है वो कॉमन टर्म होती है, और पहली टर्म को यानी एंटीसीडेंट को अफर्म किया जाता है। और इसके ठीक अपोजिट सिंपल डिस्ट्रक्टिव डायलेमा होता है। इसमें पहली टर्म कॉमन होती है और दूसरी टर्म को डिनाई किया जाता है। तो ये बेसिकली फंडामेंटल डिफरेंस है सिंपल कंस्ट्रक्टिव और सिंपल डिस्ट्रक्टिव डायलेमा के बीच का। तो अभी हम लोग देखेंगे कि आपको एग्जाम में क्या लिखना है। इन दिस टाइप ऑफ डायलेमा द कॉन्सिक्वेंट्स आर डिनाइड एंड एंटीसीडेंट्स आर कॉमन टर्म्स। जो कॉन्सिक्वेंट होते हैं वो दूसरे टर्म होते हैं, और एंटीसीडेंट होती है वो प्रपोजिशन की पहली टर्म होती है। यानी पहली टर्म कॉमन होगी और दूसरी टर्म को डिनाई किया जाएगा, और कंक्लूजन भी निगेट किया जाएगा। तो इस प्रपोजिशन को हम लोग बोलेंगे कि ये पर्टिकुलर प्रपोजिशन सिंपल डिस्ट्रक्टिव डायलेमा है। इसका मॉडर्न सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कुछ इस प्रकार से होता है, P implies Q एंड P implies R। यहां पर आप देख सकते हैं कि P और P ये पहली टर्म है, यानी एंटीसीडेंट आर कॉमन टर्म एंड कॉन्सिक्वेंस आर डिफरेंट टर्म। ये है मेजर प्रीमाइस। अभी माइनर प्रीमाइस में आप देख सकते हैं कि क्यू और आर ये दोनों कॉन्सिक्वेंट्स को यहाँ पे माइनर प्रीमाइस में डिनाई किया जा रहा है, और आइदर और का यानी मतलब जो वी आपको दिख रहा है वो आइदर और इस प्रकार के सेंटेंस की आर्ग्यूमेंट है, और कंक्लूजन को भी निगेट किया जा रहा है। इसको लॉजिक की भाषा में कुछ इस प्रकार से देखा जाएगा, पी इम्प्लाइज क्यू एंड पी इम्प्लाइज आर। Either not Q is true or not R is true. Therefore, not P is the conclusion. इसको हम लोग ट्रेडिशनल सिंबल यानी ट्रेडिशनल लॉजिक की भाषा में देखेंगे। If A is B, then C is D is true. And if A is B is true, then E is F is true. Either C is not D or E is not F. Therefore, A is not B. इसको हम लोग आसान भाषा में समझेंगे। If I am in Mumbai, then I am in Maharashtra, and if I am in Mumbai, then I am in India. Either I am not in Maharashtra or I am not in India, therefore I am not in Mumbai. ये basically बहुत आसान example है। अगर मैं मुंबई में हूँ तो मैं महाराष्ट्र में कहीं हूँ, अगर मैं मुंबई में हूँ तो मैं इंडिया में कहीं हूँ, क्योंकि इंडिया में भी मुंबई है और महाराष्ट्र में भी मुंबई है। अगर मैं महाराष्ट्र में भी नहीं हूँ और इंडिया में भी नहीं हूँ तो देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी कि मैं मुंबई में रहूँगा। ये बेसिकली है सिंपल डिस्ट्रक्टिव डायलेमा। आपको एग्जाम में सबसे पहले तो ये एक्सप्लेन करना है, अपने ओन वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है, इसका मॉडर्न सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देना है, इसका ट्रेडिशनल सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देना है, और इसका एक एग्जाम्पल देना है। आपको ये बहुत ही आसान भाषा में लिखना है, और आपको दो पेज में लिखना है, आपको पूरे 5 के 5 मार्क्स मिल जाएंगे। लॉजिक के इन क्वेश्चन में बिल्कुल भी डिडक्शन नहीं होता। सो टू बी कंटिन्यूड, आपके कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्टिव और कॉम्प्लेक्स डिस्ट्रक्टिव डायलेमा अभी बाकी है, मैं आने वाले लेक्चर्स में उन्हें खत्म कर दूंगा। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।